हेलो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के 12वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। रिपोर्ट आ चुकी है दोस्तों, साथ साथ आपको बताएंगे 13वें दिन की इसकी एडवांस बुकिंग कितनी है, 13वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है, इसका प्रेडिक्शन करेंगे, कई सारी अपडेट आपको देने वाला हूँ। 12वें दिन की ऑक्यूपेंसी कितनी है दोस्तों, तमिल तेलुगु में कितना कितना कलेक्शन करना शुरू में बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों आप सबको तो पता है कि दोस्तों फाइटर मूवी से ऋतिक रोशन का काफ़ी तगड़ा कमबैक हुआ है दोस्तों। शुरुआती दिनों में ऐसा लगा था कि भाई फाइटर मूवी ज़्यादा खास कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन भाई जैसे जैसे दिन बढ़े और दोस्तों भाई सेकंड संडे, सेकंड सैटरडे, सेकंड मंडे दोस्तों भाई बिल्कुल फाड़ कर रख दिया बॉक्स ऑफिस। इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों, दिन है मंडे का और मंडे की दोस्तों इसकी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 7.30%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी की बात करें दोस्तों यहाँ पर 8.71%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी की बात करें 11.81%, नाइट ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 14.76%। इसी के हिसाब से दिन है मंडे का, हिंदी में बोले तो सोमवार इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई थी दोस्तों मंडे के दिन 12वें दिन, वो थी 90 लाख के आसपास दोस्तों। इसने जो कलेक्शन करा भाई 3,35,00,000 रुपए कमा लिए हैं दोस्तों मंडे के दिन। दोस्तों मेरे हिसाब से ये कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों भाई मंडे के दिन, वो भी सेकंड मंडे के दिन इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। इसी के हिसाब से इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 178,06,00,000 रुपये। इंडियन ग्रोसर की बात करें 210,03,00,000 रुपए कमा चुकी है। ओवरसीज में 85,00,00,000 रुपए कमा चुकी है और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 295,03,00,000 रुपए कमा चुकी है दोस्तों। ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की जो रिपोर्ट है दोस्तों वो 11 दिन की रिपोर्ट है, क्योंकि भाई कलेक्शन आने के बाद शाम तक रिपोर्ट आती है। मैं आपको 12वें दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट शाम को दोस्तों बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों रिपोर्ट की माने तो भाई इनने 12 दिन के अंदर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है दोस्तों वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में। यहाँ पर देखा जाए तो फाइटर मूवी का सेकेंड मंडे काफ़ी शानदार रहा है दोस्तों, कहने का मतलब यह है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो गाइस फाइटर मूवी हिट की कैटेगरी में आ चुकी है दोस्तों। 250 करोड़ का इसका बजट है और ये जो फिल्म है ना दोस्तों फाइटर मूवी, ये हिट की कैटेगरी में आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 50 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है, इसका बजट 250 करोड़ है, 300 करोड़ कमा चुकी है और 50 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है दोस्तों। कहने का मतलब है कि भाई फाइटर मूवी हिट हो चुकी है। अब बात करते हैं 13वें दिन की एडवांस बुकिंग कितनी है और कितना कलेक्शन कर सकती है, इसका प्रेडिक्शन करेंगे दोस्तों। फाइटर मूवी की बात करें दोस्तों, दिन है मतलब 13वें दिन का जो दिन होने वाला है वो होने वाला ट्यूसडे का। हमारे हिसाब से, बॉलीगिंग के हिसाब से 50 लाख से लेके 60 लाख के बीच में 100% ये एडवांस बुकिंग करेगी दोस्तों। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो कर लिए हैं जो हमारी रिपोर्ट के मामले में। बाकी ये जो हमारे हिसाब से भाई प्रोडक्शन कर सकती है 13वें दिन, वो कर सकती है भाई 3 करोड़ से लेके 4 करोड़ के बीच में 100% कलेक्शन करेगी है हमारा प्रोडक्शन यानी आज के दिन। बाकी आपका प्रोडक्शन क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, नया चैनल सपोर्ट करना भाई साहब।